तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं वीडियो में, लोहे के सरियों को बेंड करना, ये अपनी ताकत से लोहे की चेन को तोड़ देना, ये देखो जैसे तरबूज को इसने दोनों हाथों से फोड़ दिया है, ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज ना आप अपनी ताकत तो दिखाएंगे, क्योंकि दिखा देंगे आप में स्ट्रेंथ है, आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ताकतवर भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिली हुई आपकी, जो स्ट्रेंथ है ना, आपका जो जुनून है वर्जिश करने का, उसको एक डायरेक्शन नहीं मिली हुई। ये आज एक कर्तव्य करेंगे आप, कल को दूसरा करना पड़ेगा, फिर तीसरा कर्तव्य करना पड़ेगा। यूथ आपको फॉलो करता है, लाखों आपके फॉलोअर्स भी होंगे, आप यूथ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे किसी एक डायरेक्शन जहाँ पे वो अपना नाम देश विदेश में कर सके, देश का नाम कर सके, अपने स्टेट का नाम कर सके। ऐसी एक्टिविटी ना जहाँ पे आपकी ताकत काम आए देश का नाम बड़ा करने में, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। आप किसी स्पोर्ट्स में लगाए इस ताकत को, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं, आप में स्ट्रेंथ है, आप में जुनून भी है ट्रेनिंग का, तभी तो ये कर पाए हो आप, अदरवाइज ये भी नहीं होता। तो सेम डाइट का भी है, मैं देखता हूँ कई लोग बहुत ही ज्यादा देसी घी और दूध के ऊपर फोकस रखते हैं कि हम तो ये खाते हैं, अच्छी बात है, आप इतना घी दूध खा के उसको पचा लेते हो, इट मीन्स आप बहुत हार्ड वर्क करते होंगे तभी इसको पचा पाते हो। लेकिन सिर्फ घी और दूध से बॉडी बनी हुई नहीं है, आप सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, दही भी खाते हैं, और भी वेरियस आइटम है जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। सिर्फ सारा दिन हम चूरमा नहीं खाते, हम दूध नहीं पीते, तो एक कंप्लीट डाइट का जो पैकेज है ना आपका, वो यूथ तक नहीं पहुंच रहा। अच्छी बात है आप इतना घी दूध खा के फिट है, मीन्स आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो एक राइट मैसेज है डाइट का वो नहीं जा रहा। आप अपने कल्चर को दिखाएं, देसी खान पान दिखाएं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ यही दो आइटम डाइट में नहीं होते, डाइट बैलेंस डाइट होती है। तो मेरा मैसेज आप लोगों के जरिए यही था, मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, आपको अच्छी लगे तो रखे, ना लगे तो कोई बात नहीं, भूल जाएं इसको, कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे कहीं ऐसे स्पोर्ट्स में जहां आप अच्छा कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल आप, ये सोशल मीडिया बड़ी छोटी लाइफ है, आज है कल को लोग भूल जाएंगे, एक साल बाद आपने क्या कर्तव्य किया था, ये सरिये तोड़ना चेन तोड़ना, ये कोई बहुत टिकाऊ काम नहीं है, कल को लोग भूल जाएंगे। आप स्पोर्ट्स में कोई नाम बनाते हैं, किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं, कोई मेडल जीतते हैं, वो हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। मैंने भी जब मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू नहीं किया था, जिम करने का शौक था, वर्जिश करने का, तो डाइट की भी कोई नॉलेज नहीं थी, 2-2.5 घंटे वर्जिश करके घर आया, आगे 2 लीटर दूध एक जग में रखा मिलता था, उसमें 2 बड़े जो सब्जी वाली कड़छी होती है वो डाल के 150-200 ग्राम घी, और रोज यही पहली डाइट यही होती थी जिम के बाद। बाद में धीरे धीरे पता लगा कि भाई और भी बहुत कुछ जरूरी है, सिर्फ घी और दूध नहीं, शरीर को सारे विटामिन मिनरल सब चाहिए एक अच्छी फिजिक के लिए। तो मेरा मैसेज यही है, आप लोग थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव लगाएंगे तो और बहुत अच्छी बात है, इस ताकत को यूटिलाइज करें देश के लिए, अपने लिए, अपने गाँव के लिए, अपने परिवार के लिए, नाम को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल और अच्छा रहेगा। थैंक यू।